एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ लौकी का रायता, जो टेस्टी भी है, साथ में बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने घिया ली है, यानी कद्दू, छोटे छोटे और कच्चे कच्चे घिया लेनी है हमें, बहुत अच्छी लगती है ये टेस्ट में। और इसे अच्छी तरह से छील लेंगे और फिर मैंने वॉश कर लिया। और अब इसे छीलने के बाद कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद इसे दोनों को कद्दूकस करने के बाद इसे हम पानी में बॉईल करेंगे। ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और ये कद्दूकस हो चुकी है, तो अब एक कढ़ाई, यहाँ किसी भी बर्तन में आप पानी ले लें, दो गिलास के लगभग। दो गिलास पानी लेने के बाद इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी डाल देंगे, ताकि जो घिया है उसका कड़वापन और ऐसे टेस्ट मेंटेन हो जाए। तो इस पानी को बॉईल होने के बाद इसमें घिया ऐड कर देंगे। कद्दूकस की घिया ऐड करने के बाद इसे बॉईल करेंगे और इसे पका लेंगे, ताकि घिया का कच्चापन निकल जाए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट लगे थे इसे बॉईल करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बॉईल करने के बाद इसे चेक करेंगे तो ये बॉईल हो चुकी है, और इसे छान लेंगे, पानी अलग कर देंगे और घिया को छान कर छलनी में निकाल लेंगे और इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसके बाद मैंने दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पानी मिलाना है तो आप पानी मिला सकते हैं, अगर दही थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी मिला लिया था, ये थोड़ा थिक था। और अब इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए आधी करछी मैंने ऑयल लिया है, और बड़ी चम्मच में ऑयल गर्म करके इसमें जीरा, हींग और काला नमक और लाल मिर्च टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और चटकने देंगे इसे। और इसमें थोड़ा सा बारीक कटा धनिया और हरी मिर्ची डाल देंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और तड़का लगाएंगे रायते में, और तड़का लग चुका है अब इसमें, और रेडी है सर्व करने के लिए टेस्टी सा रायता। और इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और लाल मिर्च, या काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और रेडी है सर्व के लिए। तो रायता बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।